दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ऑल इन वन। और आज हम करेंगे एक सोलर पावर बैंक की अनबॉक्सिंग। सो ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आई थॉट कि ऐसा वीडियो आपको शायद ही मिला होगा यूट्यूब में, तो आपको भी अगर ऐसा लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक मिली जाएगी। और वायदा भी इसका जो बैटरी पावर है वो आता है 20,000 mAh के ऊपर, और ये फास्ट चार्जिंग वगैरह भी सपोर्ट करता है। तो अनबॉक्सिंग में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसका जो है सेटअप है पूरा का पूरा, और हम अनबॉक्सिंग करके सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका रिव्यू भी बताएंगे, क्योंकि मैंने इसी तरह की एक प्रोडक्ट अमेजोन से भी परचेस किए थे, ठीक है। तो उसकी रिव्यू भी मैं हम इस वीडियो में दे देंगे। उसका अनबॉक्सिंग मैंने नहीं किया था, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करो यार, दे देंगे उसका भी रिव्यू अच्छे से एकदम, ठीक है। तो इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखना यार, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम इसे ओपन करते हैं, तो सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है वो चेक कर लेते हैं। पहले इस साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है USB के लिए और एक है क्विक चार्जिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर 2 AA मैक्सिमम सपोर्ट करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, और इसका जो है वो ओरिजिनल है, इसका एक प्रूफ भी है। यहाँ पे एक स्टैम्प मिलेगा जो कि ओरिजिनल इसको बताता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वार्निंग है और कुछ डिटेल्स हैं। वार्निंग में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भाई इसको जो है पानी में नहीं गिराना है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 इसे पानी में मत गिराइएगा। अभी हम इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कौन साइड साइड से ओपन होगा। तो ओपन करने से यहाँ पे एक USB केबल दिया गया है जो कि बहुत ही छोटा है चार्जिंग, ताकि सबसे ज़्यादा हो सके, क्योंकि 20,000 mAh है भाई, ठीक है। तो और वैसे भी छोटा ही दिया जाता है, बट ये कवर बहुत ही टाट है। अरे यार, हाँ निकल गया। अभी हम प्लास्टिक जो है देखते हैं अंदर कुछ है, नहीं है, हाँ नहीं है। प्लास्टिक हम निकालते हैं पहले, और हमारे प्रोडक्ट देखते हैं कैसा है। दो यार, हाँ प्रोडक्ट तो अच्छा है। एक साइड लाइट है जो, और एक साइड सोलर जो कि मैंने बताया था। और इस तरफ दो पोर्ट दिए गए हैं ताकि आप दो मोबाइल एक साथ चार्ज कर सको, जैसा होता है। और उसके अलावा भी आप इसे इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज कर सकते हैं, इसके लिए ये दिया गया है। और ये पावर दिखाने के लिए 4 वोल्ट यानी कि 20,000 mAh की, और ये आपकी बटन जिससे आप ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ये जो है आपकी टॉर्च में काम करता है, जो एक्स्ट्रा लाइट है। आप सोच रहे हो ये किस लिए है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा लाइट के लिए, अगर ये सोलर है जो कि धूप में चार्ज होता है बेसिकली, ठीक है। और इस तरफ लाइट है, और नीचे का इसका कंपनी आप देख ले सकते हो, लेक्सॉस का है, ठीक है। अच्छा है प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने पहले भी परचेस किया था, जो कि मैंने बताया था पहले भी एक परचेस किया था जो मैंने अमेजोन से खरीदी थी, वो थोड़ी महंगी पड़ी थी। और अभी हम इसकी लाइट वगैरह दिखा देते हैं। आप थोड़ी देर टैप करके रखोगे तो ये बड़ा वाला लाइट ओपन हो जाता है, और दो बार टैप करोगे तो ये टॉर्च जो है वो ओपन होता है। तो ये रहा, फिर से मैं एक बार दिखाऊंगा, पहले आप इसे देख लीजिए। ये टॉर्च की क्वालिटी बहुत ही हाई है, और सोच सकते हैं इसका जी एक पावर में इतना हाई है तो इतने सारे बल्ब में क्या होगा यार, फट डालेगा। तो ये एक कॉम्बो है, आप सोच रहे हैं ये क्यों दिया है, क्योंकि ये कॉम्बो में आता है, तो ये ही इसका सेटअप है। अभी मैं फिर से बताता हूँ कि आप अगर ज़्यादा देर टैप करके रखोगे तो ये वाला जो लाइट है ये ओपन हो जाता है मतलब, और दो बार टैप टैप करोगे तो ये लाइट जो है ओपन होता है, और सेम प्रोसेस में आपको बंद भी करना पड़ता है। तो अभी हम इसको देखते हैं सपोर्ट होता है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी से और मोबाइल चार्जिंग करने में। बेसिकली हो जाएगा, फिर भी मैं देखता हूँ। हाँ ये हो रहा है, मतलब अच्छा है अभी, क्योंकि चेक करना पड़ता है यार। बेसिकली ये क्लू फैक्ट्री से आया तो थोड़ा तो डाउट रहेगा, बट अमेजोन से जो लाया था उसमें मेरा बिल्कुल भी डाउट नहीं था, क्योंकि वो अमेजोन से आया था और उसकी अभी तक मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई बैटरी में, या फिर कुछ भी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आप कॉमेंट करते हैं तो इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो पिछले बार ले पावर बैंक था उसका मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी तो हम जाने वाले हैं ये सोलर पावर बैंक को टेस्ट करने के लिए बाहर अपनी छत पे। तो चलिए हम जाते हैं हमारे छत पे और देखते हैं सोलर पावर बैंक।
तो भाई यहाँ आने से पहले मेरे को एक बात पता चली कि हम इसे अगर ऐसे नहीं रखते तो ये चार्ज ऑटोमेटिक नहीं होने लगते हैं। अभी हम धूप में नहीं है, फिर भी हम अगर इसको थोड़ा उठाते तो आप देख सकते हैं ये चार्ज होने लगता है। और अभी हम धूप में जाके बताते हैं इसका स्पीड कैसा दे रहा है, तो आप खुद ही देख लेना, ठीक है। अभी हम धूप में नहीं है तो चलिए धूप में जाते हैं और आपको दिखाते हैं इसका स्पीड। तो ये हम आगे धूप में, और आप देख सकते हैं इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो गया यार। और इसको जैसे भी करके रखो, मैं सभी मूवमेंट दिखा रहा हूँ, जैसे भी करके रखो ये चार्ज ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट भी मैंने किया है, और आप इसको ऐसे रखोगे तो ही ये चार्ज नहीं होगा, वरना आप ऐसे अगर रखते हो तो इसका चार्ज फिर से होना चालू हो जाता है। आप मतलब थोड़ी सी भी अगर इसका धूप में आता है तो ये चार्ज होने लगता है, और इससे आप कैसे भी रख लो तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो रहा है। मतलब सोलर की जो क्वालिटी है वो आप सोच सकते हो कितना हाई है। अभी मैं इसके ऊपर अपना हाथ रखने वाला हूँ, और यहाँ पे कुछ है यार, और प्लास्टिक है कुछ नहीं। और अभी मैं जो है इसके ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ अपने हाथ रख के, तो देखते हैं। और ये रख दिया, हाँ देखिए अभी भी ये चार्ज हो रहा है, रुकिए मैं दिखा देता हूँ अपना हाथ। हाँ देखिए यहाँ पे मैं अपना हाथ रखा हुआ हूँ, फिर भी ये हाई स्पीड में चार्ज हो रहा है। मतलब आप सोच सकते हो इससे अगर पूरा ही ढकते हो तो ही ये स्टॉप होता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये प्रोडक्ट कैसा है भाई, और अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। और इस तरफ है सोलर, और भाई मैंने जो बताया था कि मैंने अमेजोन से ख़रीदा था, उसके अगर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, हम एक वीडियो और बना देंगे। और इसका रिव्यू ये है कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं इसको 2 वीक लेट अपलोड कर रहा हूँ, और मेरा जो पहले वाला पावर बैंक था सोलर वो भी था, वो भी इसी टाइप की है, और उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि करीब करीब 1 साल हो गए बट उसका बैटरी में या फिर सोलर कुछ भी में कोई भी इफेक्ट अभी तक नहीं आया। हालांकि स्क्रैच वगैरह जो है वो आ चुका है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो पावर बैंक है वो एकदम सी नई तरह की है, और ये ऑटोमेटिक चार्ज हो रहा है यार। आप सोच सकते हो अगर आपकी जो विंडो है वहाँ पे रख दोगे तो। और अमेजोन से अगर परचेस करना चाहते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर भाई आप क्लूप फैक्ट्री से लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आती है इसकी प्राइस की, तो प्राइस हमें अमेजोन में पड़ा था मतलब 4,600, और क्लूप फैक्ट्री में वही हमें मिलता है 900 या तो फिर 800-700 में ही मिल जाता है। तो आपको चूज़ करना है कहाँ से लेना है। हालांकि क्लूप फैक्ट्री ने भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट भेजा है, तो आपको चूज़ करना है कि आपको लेना है, ठीक है। तो मेरा रिव्यू में ये बताता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है इस पर आप पूरा पूरा भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये कोई भी फेक नहीं है। फेक फेक क्या यार, ये तो एकदम सी फाड़ू है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो लाइक अच्छा है तो लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो मिलना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।